दिल्ली में इतनी बड़ी टनल आपने कभी नहीं देखी होगी, और ये टनल अब रिंग रोड से सीधे कनेक्ट करती है इंडिया गेट को। देख रहे हैं पूरा अमित द्विवेदी लाइव के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है, और आज मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ अलग। और एक लाइन यहाँ पर मुझे याद आती है, चार पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। लेकिन क्या हुआ, जब शहर लोग आते हैं और पैसे कमा के वापस ले आते हैं तो शहर की भी याद आती है लोगों को। और मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, यहाँ पे उसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। इंतजार कर रहा हूँ कि आप पहली बार दिल्ली कब आए थे, क्योंकि मैं दिल्ली गाजियाबाद में ही इसी दिल्ली NCR में रहता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं पहली बार आया था उस साल था 1998, और मैं इस शहर का होके रह गया। लेकिन आप इसे बहुत सारे वापस चले गए होंगे, और ये शहर पूरी तरीके से बदल गया है। वो ब्लू लाइन बसें जो उबड़ खाबड़ सड़कों से गुजरती थी, ट्रैफिक होता था, आप लटक के जाते थे, वो सब सीन बदल चुके हैं। तो दिल्ली कितना बदला है, अपना एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, इसमें आपको क्रमवार मतलब क्रमशः आपको कई सारे वीडियोज में दिखाऊंगा कि दिल्ली कितना बदला है। तो ये पीछे अक्षरधाम नजर आ रहा है, अक्षरधाम के जमाने वाले कौन कौन है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर अब अक्षरधाम है, और यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है, और यहाँ इतनी भीड़ लगती है कि आप पैर भी नहीं रख सकते हैं। और क्या क्या बदला है, तो आज मैं आपको इंडिया गेट के आसपास वाली चीजें दिखाने वाला हूँ कि जो सड़कें गुजरती थी क्या वो सड़क रह गई या सुरंग बन गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आपको दिखाते हैं वो दिल्ली जो आप छोड़ गए थे यहाँ पर और अब बदल गई है। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी, तो पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत दिलचस्प लगने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया जिधर से मैं अप्रोच कर रहा हूँ ये गाजियाबाद के साइड से, यानी कि मैं गाजियाबाद के साइड से आया हूँ और सीधे निजामुद्दीन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो निजामुद्दीन अगर आपने देखा होगा तो एक अलग मामला था, यहाँ से जो सड़क जाती थी ना वो दूसरी सिर्फ सिंगल रोड एक हुआ करती थी चौड़ी। अब ये भैया 2, 2, 4, 2, 6, 8 लेन का हाईवे हो चुका है, और ये मेरठ एक्सप्रेसवे यानी कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, और पूरा का पूरा यहाँ पे देखेंगे तो ये सब आपने कभी नहीं देखा होगा। तो जो ग्रीनरी नजर आ रही होगी आपको यहाँ पर, देखिए ये सब कुछ यहाँ पर लगा दिया है, पूरा ग्रीन बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। और दो पुल हो गया है, पहले सिंगल पुल हुआ करता था जिससे मैं जा रहा हूँ, पुराना वाला ही पुल है, लेकिन अब ये एक पुल आजू बाजू से भी निकाल दिए गए हैं। और यहाँ पर अब यमुना तट पे आपको चाय पीने का, चुस्की लेने का आनंद भी मिलता है। एकाध पॉइंट इन्होंने क्रिएट कर दिए हैं जिससे लोग यहाँ पर रिफ्रेश हो सके, वॉशरूम वगैरह भी बना दिए गए हैं, ये पहले कभी नहीं था यहाँ पे अगर आपको याद होगा। और इस पुल से जाने में अगर आप अप्रोच करते ना इधर, बहुत ट्रैफिक होता था, सिर्फ DND आया था, और DND के पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने DND भी नहीं देखा होगा, नोएडा टोल जो देखा है बना है उसे भी नहीं देखा होगा। तो भैया पूरा बदल चुका है, यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था, मंदिर नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर पीपल के पेड़ वगैरह तो वही हैं जो पुराने थे, इसको इसी ब्यूटिफिकेशन का पार्ट ही बना दिया गया है। और यहाँ से राइट लेते ही वो पार्ट शुरू हो जाता है जिसे आप बहुत मतलब बोलते हैं दिल्ली का दिल है। तो इस वाली रेड लाइट से राइट लूंगा ना तो एक खूबसूरत चीज आने वाली है, चलिए दिखाते हैं। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं आप, ये रिंग रोड है, और ये बहुत पुराना मतलब रिंग रोड पहले से था, और मुद्रिका वगैरह की बसें अगर आपने देखी होंगी तो अभी भी चलती हैं, बट एक बस का जो पूरा आप देखेंगे तो किस तरीके की होगी, देखिए बसें मतलब खूबसूरत बसें अब यहाँ पर रोड पर दौड़ती हैं वाली बसें, गुजरे जमाने की चीज़ होगी, मुझे भी देखी हुई काफ़ी वक्त हो गया उसको। तो यहाँ पर जब मैंने शुरू किया था कॉलेज वगैरह में था तो पूरा वो बसों का मैंने आनंद लिया है, स्टाफ चलाते थे बस का। तो ये रिंग रोड है जो कि सीधे कनेक्ट करता है राजघाट को, और राजघाट से भी एक अलग रास्ता निकल गया है जो कि ISBT के लिए अब चला जाता है, लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, आज मैं इसी तरफ रहने वाला हूँ इंडिया गेट के इर्द गिर्द। तो यहाँ से जब लेफ्ट लेंगे तो प्रगति मैदान आता है, लेकिन अब प्रगति मैदान के लिए कैसे मतलब जाना है और क्या रास्ता है वो दिखाता हूँ, क्योंकि ऑल्टरनेटिव रूट्स बन चुके हैं और ये देखकर आपकी आंखें ना चौंकी आ जाएंगी। चलिए ये देखिए, आप इससे शायद अपने आप को जोड़ पाएंगे अगर इस रोड से कभी गए होंगे। सामने से बोर्ड नजर आ रहा है ना, ये पहले भी था, तो ये बोर्ड अभी भी है यहाँ पर लिखा हुआ, आपको मिलेगा इस तरफ सीधे जाइए राजघाट, इस तरफ आपको प्रगति मैदान मिल जाएगा, और ISBT के लिए सीधे जाना है। तो बहुत बिजी रोड हुआ करती थी, अभी भी बिजी रहता है, अगर आप पीक आवर्स में आएंगे तो यहाँ पर आप मतलब रेंगते रहेंगे ट्रैफिक में, लेकिन ट्रैफिक को इतना ज्यादा ना हो तो क्या किया गया है अब। दिल्ली में इतनी बड़ी टनल आपने कभी नहीं देखी होगी, और ये टनल अब रिंग रोड से सीधे कनेक्ट करती है इंडिया गेट को, देख रहे हैं पूरा। और इसके दीवारों पर जो जादूगरी की गई है, जो यहाँ पर तस्वीरें उकेरी गई है, जो कलाकृति दिखाई गई है, ये दिल खुश कर देती है, और ये आपकी दिल्ली है। और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब निकलता हूँ अब यहाँ से जाता हूँ तो मुझे लगता है
चलता दिल्ली काफी कुछ बदल गया है। कैसा लग रहा है कमेंट करते रहिएगा, साथ साथ मैं इंतजार कर रहा हूँ। और ये सीधे इंडिया गेट निकलेगा, इंडिया गेट पर क्या बदला है अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी भी है सुप्रीम कोर्ट, अगर आप आए होंगे ना इसके पहले, पहले से ये सुप्रीम कोर्ट कुछ नया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भीड़ पूरी दिखेगी, राइट हैंड को पार्किंग तो रोड पर ही कर देते हैं और हटती भी रहती है गाड़ियाँ, बट पता नहीं क्या रूल है मुझे तो समझ ही नहीं आता, बट यहाँ पर इस तरीके की भीड़ आपको नजर आएगी। और ये सड़क नई है जो कि इंडिया गेट सर्कल पर निकाल देती है, लेकिन पार्किंग इस तरफ बहुत ही बेढंगी मिलने वाली है क्योंकि जगह ही नहीं है। दिल्ली में इतने लोग आ गए हैं ना कि खड़े होने की जगह नहीं है। वो दिल्ली जो कभी सो जाया करती थी, मतलब रात में यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता था, अब यहाँ पर वो ज़माना गुजर गया है। अब यहाँ पर हमेशा भीड़ मिलेगी, मतलब अब दिल्ली रात में भी जाती है क्योंकि तरक्की के पथ पर जो चल रही है। तो यहाँ पर देखिए खान मार्केट, विजय चौक, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, ये सारी पुरानी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नया नाम इसमें जुड़ा है, पहले से था सब। और जब यहाँ से हम आगे निकलेंगे तो देखिए खूबसूरती एक तो अच्छा है ये है कि यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन, दिल्ली शुरू से ही हरी भरी रही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नापी पेड़ लगाए गए हैं, अब तो पेड़ काटे जा रहे हैं। यहाँ पर हरियाली मतलब भर भर के रही है शुरू से, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी दिल्ली, बरसात में ऐसा लगता था जैसे दिल्ली नहा ली हो, बट अभी तो पेड़ हो आप देख इसी से अंदाजा लगा लीजिए, देखिए कट रहा है और धीरे धीरे इस पेड़ को ख़त्म कर देंगे। और ये हमारे महामहिम जाते हुए यहाँ से गजब लोग हैं, यही लोग चलाते हैं बहुत कुछ, समुद्र प्रहरी, तो अपने देश की शक्ति का प्रदर्शन भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। और पार्किंग आपको थोड़ा सा मतलब ये ट्रैफिक का आप देख रहे होंगे जितने धीरे चल रहा हूँ ना, थोड़ा सा लग सकता है कि भैया, बट रफ्तार उस टाइम भी कम थी, ऐसा नहीं इंडिया गेट के आसपास आप बहुत तेजी से भाग लेते थे। और ये रहा इंडिया गेट राइट हैंड पर, यहीं पर वार म्यूजियम बना दिया गया है, तो नई नई चीज़ें हुई हैं। अब वो वहाँ से जो अमर जवान ज्योति थी उसे भी शिफ्ट किया गया है, तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो कभी ये मौका मिले तो देख के आ जाइएगा, पर देखिए अमर ये देखिए वार मेमोरियल का पूरा सीन आप कभी आए देखें तो एकदम बदल गया है। इंडिया गेट के अंदर की चीज़ें बदल चुकी हैं, मैं तो आपको ऐसे एक राउंड दे रहा हूँ पूरा, आपको पता चले कि क्या क्या कैसे हो गया है। तो यहाँ पर अब वो चीज़ें नहीं रही हैं जो आपने देखी थी, तो सब कुछ एक सिरे से यहाँ पर आपको बदला हुआ मिलेगा। सारे रोड निकल रहे हैं, अकबर रोड हो गया, शाहजहां रोड हो गया, पंडारा रोड हो गया, ये सारे रोड इधर उधर चले जाएंगे। और ये रहा इंडिया गेट, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि अगर आप गाड़ी से आएंगे तो यहाँ पर जो सामने रोड जाती है ना इंडिया गेट के या राष्ट्रपति भवन के लिए, उसके लिए तरस जाएंगे क्योंकि उस रोड पर आपको जाने का एक्सेस नहीं मिलेगा, उस रोड को एकदम बंद कर दिया गया है। और ये इंडिया गेट मतलब इंडिया गेट पे भी एक्सेस बहुत लिमिटेड है। इस तरफ देखिए कि किस तरीके का पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है पूरा, अब यहाँ पे सिर्फ पैदल ही लोग नजर आएंगे, पार्किंग वार्किंग बना दी गई है, अंदर भूमिगत बहुत सारी चीजें बन गई हैं। तो इस इंडिया गेट की तरफ सिर्फ आपको पैदल लोग नजर आएंगे, यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो ये पूरा बदल चुका है, मतलब ए टू जेड चेंज हो गया है, यहाँ पर चीजें बदल गई हैं। जिस तरीके से आप आइसक्रीम वगैरह खाते थे भूल जाएंगे गाड़ी लगा के आप आइसक्रीम खा पाएंगे, पार्किंग ढूंढना पड़ेगा और पार्किंग में भी आपको वेटिंग में खड़ा होना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है कि आप आराम से जाएंगे इंडिया गेट पर आइसक्रीम खा के चले जाएंगे। तो ये आपकी दिल्ली बदल चुकी है, ये संग्रीला होटल हो गया और इस सामने आपको मिलेगा ली मेरिडियन। तो यहाँ पर ली मेरिडियन इस तरीके से आपको खड़ा मिलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, चौक वगैरह नहीं बदले गए हैं, लेकिन जिस तरीके का मॉडिफिकेशन हो रहा है पेड़ वेड़ों को काटने की इनकी व्यवस्था है, उसमें बहुत सारी चीज़ें और चेंज आ जाएगी। बाकी तो सब कुछ आपको दिखाई दिया मैंने कि किस तरीके से इस इलाके में बदलाव किए गए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो पक्का बता रहा हूँ आपके लिए मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस और लाऊंगा और बताऊंगा कि दिल्ली क्या क्या बदली है, क्या आपने कोई ये देखा था जो चीज़ थी अब है या नहीं है, कमेंट करिए अगर कुछ देखना चाहते हैं उसके ऊपर, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि जो आपने अपने शहर को पीछे छोड़ा था वो अब कैसा है। मैं दिल्ली में रहता हूँ इसलिए ये वाली सीरीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे वीडियोज़ मैं बहुत सारे करता रहूँगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलता हूँ जल्दी ही अगले एपिसोड में।